नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में रेल हादसों का दौर बदस्तूर जारी है। इससे पहले भी हमने आपको कई वीडियोस दिखाए जिसमें बिहार में रेल हादसों के बारे में बताया, और एक बार फिर से बिहार में बहुत बड़ा हादसा जो है वो टल गया है। आपको बता दें कि दिल्ली से आ रही वैशाली एक्सप्रेस जब बिहार पहुंचती है तो उसके पहिए में अचानक आग पकड़ लेती है, चिंगारी निकलने लगती है, और ऐसे में समझ नहीं आता है यात्रियों को भी और लोगों को भी कि क्या किया जाए। ट्रेन जब सारण और दिघवारा स्टेशन के बीच में रहती है तो वहीं से अफरा तफरी शुरू हो जाती है, और जब दिघवारा स्टेशन पहुंचती है तो वहां पर किस प्रकार क्या कुछ होता है और कैसे लोगों की अफरा तफरी शांत होती है, क्या किया जाता है, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। सारण में रेल कर्मियों की सूझबूझ से छपरा सोनपुर रेलखंड पर वैशाली एक्सप्रेस बड़े हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गई। शुक्रवार दोपहर ट्रेन के पीछे गार्ड ब्रेक में आग लग गई। आग लगने की सूचना से स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही आरपीएफ और अग्निशमन दस्ता मौके पर पहुंचे और जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया। कुछ देर के बाद स्टेशन पर स्थिति सामान्य हुई। इसके बाद 2 घंटे 45 मिनट के बाद ट्रेन का परिचालन शुरू करवाया गया। दिघवारा के स्टेशन मास्टर मुकेश कुमार ठाकुर ने बताया कि वैशाली एक्सप्रेस दिल्ली से आ रही थी। दोपहर 1:25 पर दिघवारा स्टेशन के पास स्टेशन मास्टर ने देखा कि ट्रेन का पहिया घिस रहा है और उससे आग की चिंगारी निकल रही है। स्टेशन मास्टर ने उसी वक्त दिघवारा स्टेशन को सूचना दी। चंद मिनट में ट्रेन का एक पहिया आग की जद में आ गया। हालांकि रेल कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए ट्रेन को दिघवारा स्टेशन पर रोक दिया। इस दौरान चक्के से आग की तेज लपटें निकल रही थी। कर्मियों ने कुछ ही देर बाद आग पर काबू भी पा लिया। ट्रेन को सोनपुर ले जाया गया। सोनपुर रेलवे स्टेशन पर केरेज विभाग के कर्मियों की मदद से ट्रेन का ब्रेक वैन जो है काटकर हटा दिया गया। इसके बाद शाम 4:45 पर ट्रेन का परिचालन शुरू करा दिया गया। इस दौरान यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सोनपुर रेलमंडल के वाणिज्य प्रबंधक चंद्रशेखर प्रसाद ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है। वरीय अधिकारी से इस मामले की जांच करवाई जा रही है। लेकिन इस बीच बड़ा हादसा होते होते टल गया। रेल कर्मियों ने अगर सूझबूझ का परिचय नहीं दिया होता तो हो सकता था कि यहां पर एक बड़ा हादसा हो जाए। जब ट्रेन पहुंच रही थी, दिल्ली से ये ट्रेन आ रही थी, आपको बता दें वैशाली एक्सप्रेस, और जब सारण और दिघवारा के बीच रेलखंड पर रहती है तो वहीं अफरा तफरी का माहौल शुरू हो जाता है, और जब दिघवारा स्टेशन पर पहुंचती है तो पहिए से आग की चिंगारी निकल रही होती है। लोगों को समझ नहीं आता है कि आखिर करें तो क्या करें। ऐसे में रेल कर्मियों ने सूझबूझ दिखाई, अग्निशमन दस्ते को भी बुलाया गया, और जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया, और लगभग 2.25 घंटे के अफरा तफरी के बाद ट्रेन का परिचालन जो है वो शुरू करवाया गया। उसके बाद लोगों ने भी राहत की सांस ली, और एक बार फिर से कहा जा सकता है कि बिहार में बड़ा ट्रेन हादसा होते होते बच गया है, वरना आज तस्वीरें कुछ और हम दिखा रहे होते और आज की खबर कुछ और निकल कर आ रही होती। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।